अगर इस ट्रिप की बात करें तो इन तीन दिनों में काफी कुछ हुआ हमारे साथ। और किशोर दा का एक गाना भी याद आ गया था, जाते थे जापान पहुंच गए चीन समझ गए ना, हे हने 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 प्यार हो गया। नहीं नहीं ऐसे नहीं, कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। मोहित का फर्स्ट टाइम होने वाला है तो वो मेरे साथ ऐसी ट्रिप प्लान करेगा और यहाँ तक पहुँचने का सफर यकीन मानिए बेमिसाल लाजवाब, जो मतलब आपकी डिक्शनरी में ऐसे ऐसे भारी भारी शब्द हैं सब इस्तेमाल कर लीजिए। मोहित पहले इस ट्रिप में जाने वाले थे मैं, हिमांशु और मोहित, लेकिन हिमांशु का कैंसिल हो गया तो मैं और मोहित ही निकल पड़े देहरादून से जोशीमठ के लिए। रास्ते में बहुत कुछ हुआ हमारे साथ। गाड़ी में कोई प्रॉब्लम दिखे तो सही करा देना, हम भी करा रहे हैं। पहले बाइक में प्रॉब्लम, फिर ये लैंडस्लाइड और फिर ये ट्रैफिक जैम जिसका रीजन मुझे आज तक पता नहीं चला। गाड़ी कहीं पे भी बंद हो सकती है, हम फंस चुके हैं यहाँ पे। सबके अपने अपने टर्न चल रहे हैं बाबा, लेकिन भुगतना हमको पड़ रहा है। हेलो भाई साहब, गाली मत दो किसी को, गाड़ी चल पड़ी। वाह। और इस तरीके से 9 घंटे का सफर हमने 12 घंटे में तय किया और अभी जोशीमठ पहुंचे ही थे कि रहने दो भाई, नीचे तुम्हारी थाली भाई, तुम खा लो थाली अपने। चले मोहित खड़े हो जाओ, उठ जाओ, उठ नहीं है थाली आप। पहले होटल वाले ने हमें बताया कि हाँ प्लेट सिस्टम है, आपको खाना मिल जाएगा, लेकिन जैसे हम बैठे और 10-15 मिनट वेट किया तो जनक भाई साहब को याद आया, नहीं सब चीज़ आपको अलग अलग लेनी होगी। तो इस स्कैम से बचने के लिए हमने वहाँ पे खाना नहीं खाया। ऐसा होता है बाबा, ऐसा होता है। फिर हम थोड़ा घूमे, गर्मियों से तो बच रहे हैं, मज़ा आ रहा है यार। और इसके बाद एक दूसरे होटल में खाना खाया और खाने खाने के बाद हम टाइम पे सो गए ताकि हम कल जल्दी उठ सके और भविष्य बद्री के लिए टाइम पे पहुंच सके। लेकिन कभी ऐसा हुआ है कि जो हमने सोचा है वो हो गया हो? हम उठे 10 बजे। तो अभी मैं बैठा हूँ गाड़ी पे और दोस्त गया एटीएम में, अगर कोई इसको लूट के नहीं ले गया तो चलते हैं यहाँ से फिर आगे भविष्य बद्री के लिए। जोशीमठ से भविष्य बद्री काफी पास है, ये बात हमको पता थी, लेकिन वहां का रास्ता नहीं पता था। भविष्य बद्री, भविष्य, अच्छा ऊपर तपोवन साइड। तो हमने लोगों से पूछा भविष्य बद्री का खोलो, कर अभी बहुत बार पूछा के लिए रास्ता भी है। अच्छा अच्छा, वहीं से अंदर को रोड जा रही है आर्मी वाले, बार बार पूछा। वो गरम कुंड था वो तो दिखाई नहीं मैंने। और हद तो तब हो गई जब इतना पूछने के बाद भी वो मोड़ मिस कर दिया जहाँ से भविष्य बद्री के लिए रास्ता कटता है। और ये बात बताई हमें एक लोकल ने, और जब ये सब वो बता रहे थे तो हमारे गोप्रो ने हमको धोखा दे दिया, तो इस बात पे खुंदक तो आनी ही थी। अब वो चालू साले एंड टाइम में तो बंद हो गया था। यहाँ से हमारे पास दो ऑप्शन थे, या तो हम वापस मुड़े और उस मोड़ को ढूंढे जहाँ से भविष्य बद्री के लिए रास्ता जाता है, और दूसरा ये था कि यहाँ से 60 किलोमीटर आगे है नीति वैली, जहाँ पे इंडिया का आखिरी गांव है नीति विलेज, और इस प्लेस के बारे में भी हमको बस इतना ही पता था। तो हमने यहाँ पे चुना दूसरा ऑप्शन। ओह माय गॉड, इस प्लेस पे खाने की काफी कम जगह है, जहाँ पे आपको दिखेगा वहाँ पे खाना खा लीजिएगा। हमें यहाँ पे दिखा है तो हम यहाँ पे खाना खाएंगे। इसके बाद चलते हैं आगे की तरफ। नीति वैली बहुत ही प्यारी जगह है, अभी तक तो मुझे बहुत ही आसम लगी, लद्दाख वाला फील देगी आपको।
सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था कि अचानक मोहित को पता नहीं क्या सूझा कि इसको नहाना है। ये बात मैंने तो इग्नोर कर दी, लेकिन शायद ऊपर वाले ने ये बात को सीरियस ले ली और इसके बाद जो हुआ वो हमने यहाँ तो नहीं सोचा था। अचानक मौसम बदल गया। गाड़ी रोक दिया क्योंकि बारिश भी आ चुकी है और हवा बहुत तेज है। यहाँ पे पहले से बहुत लोग रुके हुए हैं, यहाँ पे ज़्यादा देर रह के फायदा भी नहीं है तो यहाँ से निकलते हैं क्योंकि हवा काफ़ी तेज चल रही है। और जो भी मैंने पूछा अभी ये गए थे यहाँ से, उन्होंने बोला कि बारिश तो नहीं हो रही आगे, बस थोड़ा बहुत हवा है, तो चलते हैं यहाँ से अब आगे। ज़्यादा बारिश आ गई तो तब प्रॉब्लम हो सकती है, हल्की बारिश से तो कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि जो रास्ता है ये काफ़ी ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला रीज़न लग रहा है और आपको देखने से पता चल ही गया होगा भाई ये है रीज़न, ऐसा भी है। टोपी सेट कर लेता पहले, कैसी लग रही है मेरी टोपी? इस ट्रिप के लिए स्पेशली है और फ्यूचर ट्रिप्स के लिए भी। सो मुद्दे की बात यह है कि यहाँ जहाँ पे अभी हम है इससे 1 किलोमीटर आगे पड़ता है जेलम, और यहाँ पे मैं क्यों हूँ क्योंकि इस प्लेस की भी अपनी एक मान्यता है। कहते हैं रामायण में जब भगवान लक्ष्मण जी के शक्ति लगी थी और उनको उपचार की ज़रूरत थी तो श्री हनुमान जी ने यहाँ से द्रोणागिरी पर्वत उठाया था और उस पर्वत में जो जड़ी बूटियाँ थी उससे भगवान लक्ष्मण जी का इलाज हुआ, तो ये तो यहाँ की मान्यता है। और इसके आगे है जेलम और उसके आगे है नीति वैली, वहाँ पे जाएंगे। पहले थोड़ा यहाँ पे रेस्ट करते हैं, मोहित म्यूज़िक एंजॉय कर रहा है, मैं भी थोड़ा इस माहौल को अपने में समाता हूँ। यहाँ से आगे निकलते हैं नीति, यहाँ से आगे निकलते हैं नीति गांव के लिए। देखते हैं वहाँ पे नाइट स्टे करना है या फिर वापस आना है, तो एंजॉय कीजिए नज़ारे। रास्ता पता नहीं यहाँ से होगा मोहित। तो मोहित चलेगी अभी पूछने के लिए कि कौन सा सही रास्ता है, क्योंकि भाई रिस्क नहीं लेना ऐसी जगह पे और तुक्का भी नहीं मारना है। तो पास में ही है यहाँ पे लोग रहते हैं, वहाँ पे भी देखा था हमने। गो स्लो बट कहाँ ये पता नहीं। आई होप कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही होगी, पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के लिए एफर्ट हो रहे हैं, वीडियो अच्छी से अच्छी बनाने की कोशिश कर रहा हूँ,
तो थैंक यू गाइस, अगर आपने ऑलरेडी चैनल सब्सक्राइब किया है, अगर नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कोसा भी ले जाए इस साइड पे, कोसा थोड़ा जाना हमने, कोसा इस साइड है, हमें आना आगे। दिस वन और दिस वन कहाँ जाना है नहीं पता, गूगल मैप देखते हैं, चल रहा है तो जाएंगे नहीं तो फंस जाएंगे। भाई जी नीति, नीति का रास्ता कहाँ से है? नीति का रास्ता सीधा ही आ गया ना। धन्यवाद। मलारी गांव आएगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। वहाँ से ये आर्मी आईटीबी चेक पोस्ट है। हाँ हाँ हाँ। उधर को मत जाना आप। अच्छा इस साइड को जाना। अच्छा लेफ्ट साइड को। ठीक है धन्यवाद जी। नहीं तो आप उधर चाइना चले जाओ। धन्यवाद। हमें चाइना नहीं जाना है, हमें जाना है नीति, नीति गाँव। तो बता दिया अंकल जी ने सीधा जाना है। अगर आपके पास सामने भी सिचुएशन आती है तो सीधा जाइएगा सीधा। यहाँ से आगे आता है मलारी, लेकिन उससे पहले ही आर्मी वालों ने हमें रोक दिया। तो कैमरा क्यों दे दिया हमें फिर? क्या जाना फिर आगे? ये घूम के जाते हैं इस गांव तक तो देख ही आते हैं। तो क्या देखना, रोड ही रोड है, गांव तो देख ही लेते हैं थोड़ा। तो ये है मलारी गांव, और अफसोस ये हमारा आज की आखिरी डेस्टिनेशन है जहाँ हम जा सकते हैं, क्योंकि आर्मी वालों ने हमें मना कर दिया है। दैट्स इट गाइस, उसके बाद एक मंदिर जाएंगे जो आपसे बताया था। यही देख रहे हैं बस, इसके बाद जाएंगे घर। भाई लोग भी मिले हमें, साथ में घूम रहे हैं। मेरे गांव से तो काफी बड़ा गांव है, पहाड़ पे प्लेन तो आपको मिलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे मुझे देख के मजा आ रहा है क्योंकि प्रॉपर खेती करते हैं लोग यहाँ पे। मैंने कुछ लोकल से भी यहाँ पे बात की, उन्होंने मुझे अपना लाइफ स्टाइल, वे ऑफ लिविंग और अपने रीति रिवाजों के बारे में बताया। आते है तो बहुत हैं, 120 यहाँ पे जो परमानेंट जो गांव में रहते हैं। हाँ। बस आप भी जाते हो नीचे की साइड? अभी बर्फ पड़ेगी फिर तो जाना पड़ेगा। नीचे की साइड 6 महीने नीचे रहते हम लोग, गाँव खाली होती अक्टूबर में, 12 साल बाद जाता था हमारा नंदा जी। 12 साल बाद ना, वही एक भाई को बता रहा था मैं, अभी इस बार है सितंबर से है। अच्छा। तो वो हमारी वैली में, हमारी नीति वैली की ना मानदा इस वैली की है, तो इसी वैली में जाएगी, इसी वैली और जगह नहीं जाएगी। लोगों की प्राइवेसी भी अपनी तो ज़्यादा उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और हवा काफ़ी तेज़ है यहाँ पे, तो हम आपको दिखाएंगे मंदिर। उन्होंने हमें एक सजेशन भी दिया कि अगर आपको आगे जाना है तो आर्मी वालों से रिक्वेस्ट करो, हो सकता है वो आपको आगे जाने दे। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। So, रिक्वेस्ट की गई है मेरे से और मोहित से, मान गए हैं, और अब हम जाने वाले हैं नीति वैली। कैंपसाइट देखिए, पूछते हैं अगर नीति भी नहीं हो पाएगा तो यहाँ पे कर देंगे कुछ। भाई कैंप कौन से वाले हैं, अपने पर्सनल है कि लोगों के लिए? कैंप लोगों के लिए, क्या रेट है कैंप का? और आगे उससे तो वो कौन सी जगह? तो बांपा। यहाँ पे कैंपिंग करना चाहते हो तो कैंपिंग के रेट हैं 1500 रुपीज एंड खाना अलग। 1500 रुपीज उन्होंने हमको इसलिए बोला क्योंकि हम दो बंदे हैं, लेकिन हमको अभी नीति जाना है, पहले वहाँ का चेक करते हैं। ये आप लोगों के लिए जूते गीले हो जाएंगे। अरे अरे भैया,
भाई नीति का रास्ता सीधा कितना आगे होगा? आठ दस किलोमीटर अभी भी है। ये रास्ता काफी खराब है और जो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस था वो अब 600 किलोमीटर का लगने लगा था। नज़ारे तो काफी ऑसम है बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जो रोड है अभी अभी बन रही है। रोड आ गई यार। रोड आई है क्या? रोड आई है। आई है यार। यहाँ से रोड मिल गई है। अब कहाँ तक मिली है वो भी दिखाता हूँ आपको। फाइनली हमारे कश्मीर को आराम मिलेगा थोड़ा। लेकिन जो सही रोड थी बस यहीं तक थी और यहाँ से अब फिर से खराब रोड आ चुकी है। प्रणाम। अबे रूम वगैरह मिल जाएगा? होम स्टे वगैरह कुछ है? वो मिल रहा लगने यहाँ फुल है यहाँ मतलब यहाँ अंदर नहीं है वहाँ तो अब नहीं है ना अभी गांव वाला भी नहीं आया वहाँ क्या नाम है बंपर क्या नाम है हमारा तो श्रीनगर अब यहाँ से आगे मोहित को नहीं जाना था क्योंकि इससे आगे कोई रहने का इंतजाम नहीं है और जो बात मोहित की सही भी थी। वीडियो तो शुरू हो जाएगा। रूम फुल है भाई रूम फुल है लेकिन रास्ता रावना है। चल ले चल लेकिन मुझे आप लोगों को दिखाना था नीति गांव और इसके लिए मैं मोहित की काफ़ी बातें इग्नोर कर रहा और बस उसको कह रहा था भाई तो आगे तो चल फिर आते हैं वापस आते हैं अभी और तभी अचानक ये लोग आ गए। भाई रूम है स्टे करने के लिए वहाँ पे। जब इन लोगों ने मोहित को बताया कि आगे रूम नहीं है और आगे भी ऐसे रास्ता है तो मोहित ने अचानक गाड़ी मोड़ ली। जाने देंगे अभी छोटी बच्चों इस बात से मुझे बहुत ही गुस्सा आया। यहाँ पे मेरी और मोहित की बहस हो गई। नीति तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा क्योंकि हमारे दोस्त को नहीं जाना है वहाँ पे तो अब यहाँ से हम जा रहे हैं आई गेस दूसरी बार सीधा कि अब हमें कुछ बंदे मिले हैं उनको फॉलो करते करते फिर दो सौ मिनट निकलेंगे। के बाद मोहित ने मेरे लिए गाड़ी मोड़ी और हाँ कुंदक में था वो और बोला कि चल नीति चलते हैं। हम नीति के लिए निकल तो गए लेकिन हम दोनों को पता था कि रास्ता काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और नीति में रुकने का इंतज़ाम नहीं हुआ तो हम वहीं फंस जाएंगे और तब उसका जिम्मेदार मैं होता। यहाँ पे हमें लोगों की आवाज आई। आवाज आ रही है किसी की? ये पे तो है कोई होम स्टे होगा। लोग तो थे यहाँ पे इसका मतलब वो जो बाइक में आए थे उन्होंने हमसे झूठ बोला। ठीक है आदमी खड़े हैं। ठीक से ठीक तो अवेलेबल होगा आज ही आए ना। कुछ टाइम पहले जाने का प्लान हो चुका था लेकिन वापस आए और यहाँ पे देख रहे हैं आप। तो अब बस रुकने का इंतजाम करना था। तो आप यहाँ पे आ सकते हो ये होम स्टे है और यहाँ नीचे पे रोड है यहाँ पे कहीं पे रोड आती है तो वहाँ से आपको घर दिख जाएगा। सबसे पहले आप हमारे मेहमान भगवान है इधर घूमो जहाँ पसंद आएगा तब तक मैं सफाई करूँगी। हाँ जी है क्या भाई जी? और अब रूम भी मिल गया। यहाँ पे रहने की व्यवस्था है भाई जी के आए हैं रहने की व्यवस्था दिखाएंगे और हम भी रहेंगे। अभी आ जाइए
अच्छा एक ये है ये अच्छा अभी तो पानी पानी हम रख देंगे पानी रख देंगे रूम को थोड़ा अरेंज किया वही सीजन की शुरुआत तो हमने की है यहाँ पे सबसे पहला रूम हमको मिला ना इसके बाद मैं और मोहित वहाँ के मजदूरों के साथ बैठ गए ताकि हमको इस प्लेस के बारे में बताए और उन्होंने काफी कुछ बताया भी ठीक भी है अभी ला रहे थे टेंट बट हम पे गाड़ी की कमी हो गई हमारा कैंसिल हो गया हाय हमारा ये हमारा खाना है हैं हमारा खाना बन रहा है कैसे बना देंगे अच्छा तो यहाँ पे नेटवर्क नहीं है और भाई लोग ऐसे करते हैं कि अगर अपने कॉल वगैरह करनी होती है कभी घर पे तो एक लेडी मिली थी हमें पीछे जिनसे मैं बात कर रहा था वो इलाके को बोलते हैं घमसाली और वहाँ पे नेटवर्क आते हैं तो ये लोग वहाँ जाते हैं कॉल करने के लिए और यहाँ से 2 से 3 घंटे लगते हैं वहाँ पहुँचने में तो ये भी टास्क है कितने मिनट बात करते हो घर पर 5-10 मिनट की खुशी के लिए सही है ये भी अच्छा है। हम आए थे इधर तक तो पूरा बर्फ था इधर। अच्छा? टिमर सेन। चाहे आपका मंदिर है वहाँ। टिमर जो है पाकी में बिकता है। कांटे वाले। टेमुर और डंडा। डंडा। वो गरुड़ गंगा में बिकते हैं बहुत। तो यहाँ होते हैं वो? यहाँ का नाम है। अच्छा। यहाँ मंदिर है ना एक। बहुत अच्छा मंदिर है। भाई बोल मोहित ट्रैक करना है क्या? बरसात में नहीं आना चाहिए यहाँ पे बहुत बेकार यहाँ पे बैठे रहो और दूर से देखते रहो कौन आ रहा है कुछ देर बैठने के बाद मैंने मोहित ने डिसाइड किया कि चलो अब गांव भी घुमाते हैं आगे देख ये भाई साहब कितना प्यारा मकान है ये पुराने मकान जिसमें पुताई नहीं हो रही थी ना ऐसे होते पहले तूने भूतिका अंतन सुन ली उनसे हाँ गांव घूम रहे हैं थोड़ा और यहाँ पे गांव जैसी वाइब्स आ रही है छोटे छोटे दरवाजे छोटी छोटी खिड़कियाँ ताकि गर्मी बने रहे कमरे के अंदर यहाँ के लोग भले ही यहाँ से सर्दियों में बाहर चले जाते हैं लेकिन गर्मियों में वापस यहाँ आते हैं और हम जैसे लोगों की हेल्प भी करते हैं होम स्टे बना के इसके साथ साथ मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी अभी भैया से जो हमारे ओनर है वो कह रहे थे यहाँ पे 300 परिवार हैं बट आते हैं अप्रॉक्स 30-40 परिवार और तो काफ़ी अमेजिंग है ऐसा नहीं है कि टाइम के साथ साथ बिल्कुल लोगों ने मॉडर्नाइज कर दिया है वो छप्पर डाल दिया लेकिन नीचे का स्ट्रक्चर अभी भी पुराना वाला है और सामने ग्लेशियर और नीचे नदी थक गए भाई चलने में सांस फूल रही है यहाँ पे जो नल खुले हुए हैं गांव की लगभग सैर कराई दी आप लोगों को कुछ इस तरीके से गांव है काफी ब्यूटीफुल गांव है नो डाउट यहां पे प्रॉब्लम दो है एक आपको टाइम पे आना है ताकि आपको रूम मिल जाए और दूसरा एक्चुअली यहां पे 3 प्रॉब्लम है तो दूसरी प्रॉब्लम ये है यहां पे लाइट नहीं है और तीसरी प्रॉब्लम ये है कि यहां पे अभी नेटवर्क भी नहीं है तो कनेक्टिविटी प्रॉब्लम तो रहेगी यहां पे अभी कुछ टाइम तक लेकिन लाइट का बता रहे हैं कि यहाँ पे लाइन जो है वो खींच चुकी है तो लेट्स सी कब तक आती है वो अभी तक तो नहीं है दादा आज का होम स्टे लाइट नहीं है तो आज हम करने वाले हैं कैंडल लाइट स्टे विद डिनर चलो ठीक है ये भी अच्छा था बहुत भीड़ लगी कि तो यहाँ पे आना है तो टाइम पे आना पड़ेगा क्योंकि भीड़ ऐसे हो सकती है यहाँ पे जैसे अभी आ रखी टाइम पे आ गए तो हमें कमरा मिल गया इसलिए हम चाहते हैं कि आप जल्दी आए उसके बाद यहाँ पर कमरा रखें तो पूरा घूम सके ट्रैक करना है क्या आराम आराम से खड़ी नहीं है